जी जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के अंचल कार्यालय में। बताया जाता है विभिन्न मांगों को लेकर प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने बुधवार को प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार और अंचल अधिकारी कृष्ण कुमार मरंडी को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों ने हो रही परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराया, कहा ऑनलाइन आवेदनों के निष्पादन में काफी विलंब होता है। अंचल अधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए कहा अब कोई भी ऑपरेटर के आवेदनों को जांच की जाएगी, सभी पंचायतों के ऑपरेटर आवेदनों के साथ पंचायत की मुहर लगाकर अपलोड करें ताकि सही आवेदनों का निष्पादन किया जा सके। मौके पर परवीन कुमार चरण पहाड़ी, आनंद शर्मा, विजय वर्मा, संताज अंसारी, मोहम्मद मुजफ्फर, संदीप कुमार, शांतनु कुमार, नितेश कुमार, संतोष कुमार सहित कई अन्य VLI उपस्थित मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे BNB के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। कोई मामला मेरे यहाँ आया है, आज मेरे संज्ञान में आ गया है ना। ऐसा भी इन लोग के द्वारा का संज्ञान में दिया गया कि कुछ अनऑथोराइज पर्सन है जो अपने स्वयं की ऐसे ऑनलाइन कर देते हैं, इससे सरकार की जो राजस्व की क्षति होती है। जी, जैसे 10 रुपया का वो लोग 10 रुपया में ऑनलाइन करके ये आवेदन ऑनलाइन कर देता है, या फिर उसका शुल्क है सो केवल 0-0 आता है, जबकि इन लोग रैली के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है तो 30 रुपया सरकार को राजस्व मिलती है। तो इसी के तहत संज्ञान में दिया है रैली के द्वारा, हम इसको संज्ञान में लेके इसका समाधान करेंगे और जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्रवीण पचन पाड़ा हुआ और प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ की ओर से विगत 8 अप्रैल को एक बैठक हुई थी। बैठक में सभी प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने निर्णय लिया था कि 12 तारीख को CEO साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। वही ज्ञापन सौंपने के दौरान हम लोग यहाँ आए और CEO साहब से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अभी ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी VLE हैं, जो पंचायत में शिफ्टेड हैं, उनके द्वारा जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र दिया जाता है और प्रखंड मुख्यालय में जो CEO साहब के ID में जाता है और वहाँ से तत्काल न बन करके उसको बेवजह बैक कर दिया जाता है, जिससे हमने अंचलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है इस मामले को लेकर कि जो नियमतः आ रहे हैं उनका आवेदन निष्पादन करें यथाशीघ्र और जो डॉक्यूमेंट गलत है उसको वापस करें। लेकिन कुछ अभी असम व्यक्तिगत रूप से लोगों ने आवेदन करके ब्लॉक में आते हैं और तुरंत बना करके तुरंत चले जाते हैं, जिससे हम ग्रामीण क्षेत्रों को प्रज्ञा केंद्र में जो शिफ्टेड हैं उनको अभिभावकों तथा छात्रों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो लोग कहते हैं कि हमारा ब्लॉक में देते हैं तुरंत बन जाता है और आपके यहाँ 15 दिन महीना दिन लग जाता है। तो हम लोग नियमबद्ध कार्य कर रहे हैं और नियमित रूप से हम लोग प्रज्ञा केंद्र वाले संचालक ये डेरा उठाएँ जाति आय आवासीय। और एक मामला था जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जो हम लोगों के पोर्टल से हटा दिया गया है, नहीं बन रहा है। मैं उनसे भी मांग किया हूँ कि इसको यथाशीघ्र लागू करें। धन्यवाद।